चलिए बनाते हैं आज भरमा तोरी, स्टफ्ड तोरी। तोरी मीडियम साइज़ की लेंगे, जिनको हम धो के छील के साफ़ करके कपड़े से पोंछ के और बीच में चीरा लगाते हुए लेंगे। और बेसिक मसाले हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जैसे गरम मसाला, ये सब हम एक बड़े कटोरी में डालेंगे और उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल मिलाएंगे ताकि गीले मसाले जो है अच्छे से भरे जाएंगे। और तोरी यहाँ पे हम मीडियम साइज़ की लेंगे, ज़्यादा पतली नहीं लेंगे। एक तोरी के 3 हिस्से बना लेंगे और इस तरीके से चम्मच की मदद से मसाला स्टफ़ करते जाएंगे। सभी तोरियों में मसाला स्टफ़ करके रख देते हैं। देखिए, इस तरीके से सभी तोरियों में मसाला भर लिया है। अब लेंगे कढ़ाई, जिसमें सरसों का तेल डालेंगे। 2 चम्मच सरसों का तेल, इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे। ये सब क्रैकल होने के बाद इन्हीं में जरा सा अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक टमाटर डाला और बेसिक से मसाले डाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। चाहे तो टमाटर को स्किप कर सकते हैं और मसाले को दही में भी मिक्स करके डाल सकते हैं। इस तरीके से 7 से 8 मिनट के बाद ही तोरियां पक जाती हैं। इनको हम सेट कर देंगे, इधर से उधर हिलाएंगे नहीं, तब भी ये आसानी से पक जाएंगी। पानी छोड़ देती हैं। इस तरीके से देखिए तोरियां बन के तैयार हैं। और तोरी की सब्ज़ी, जैसे कोई दूसरी सब्ज़ी बनाए तो डिनर की थाली हमारी तैयार हो गई है। थैंक